नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क और पंचायती के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं टीएस सिंह देव। चुनाव का दौर है, प्रत्याशियों का चयन का मसला चल रहा है, कांग्रेस के भीतर से नाराज़गी के उदासी के सुर हैं, कुछ ऐसे चेहरों के नाम कट गए जो अप्रत्याशित थे, छन्नी साहू समेत कुछ ऐसे और नाम हैं। और अभी फिर एक बैठक के लिए दिल्ली सिंहदेव रवाना हो रहे हैं और उस व्यस्तता के बीच में मैं उनकी गाड़ी में बैठ आया हूँ क्योंकि सवाल ज़रूरी थे, जवाब भी जानना ज़रूरी था। सिंहदेव साहब, ये जो जिस तरीके से निर्णय हुए, तो क्या ये जो आप लोगों का जो चयन था, जो आप लोग इतनी कसरत कर रहे थे रायपुर में बैठ के, वो सब फेल हो गया, एक तरफ किनारे हो गया? ये पूरा किनारे होने वाली बात तो नहीं है। एक आध सीट में ऐसा लग रहा है कि नयापन है। नांदगांव में गिरीश देवांगन जी एकदम, हालांकि चर्चा में आया था, हम लोग की बैठक में भी बात चर्चा में आया था, लेकिन लग नहीं रहा था कि ये होगा, लेकिन हुआ निर्णय। एक सीनियर लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के, संगठन से सीधे जुड़े हुए हैं, पिछले 10 साल से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, निगम मंडल में भी जिम्मेदार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो उनको, उनका चेहरा एक नयापन कहा जा सकता है। और एक आध नाम जो चेंज हुए हैं उसमें देवती कर्मा जी का नहीं हुआ, पर छविंद का हुआ है, छन्नी का नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था कि छन्नी का भी काफ़ी मेहनत की थी 5 साल, किन्हीं कारणों से जो निर्णय हुए वो नहीं हो पाया। और ये भी सही है कि आप सर्वे के लिए जो कह रहे थे, तो ये मैंने इतना कभी इसके पहले नहीं देखा कि सर्वे जो बाहर की एजेंसियों से कराया जा रहा है वो इसने प्रभाव में हो। दो चीज़ रहती है इसमें कि एक वो लोकल गतिविधि से जुड़े हुए नहीं हैं तो उनको उस बात की जानकारी नहीं रहती, दूसरा कि लोकल गतिविधि से नहीं जुड़े हुए हैं तो संभव रहता है कि निष्पक्ष उनके माध्यम से जानकारी आ सकती है। ये दो के बीच में हम लोग भी वही काम अपने तरीके से करते हैं। हम लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं तो जो भी निर्णय लेते हैं घर बैठे नहीं लेते हैं, ये हम लोग भी सर्वे ही कराते हैं, जिसको आज की भाषा में सर्वे कहा जा रहा है जी। हजारों लोगों की जानकारियां लेके ही हम लोग भी निर्णय करते हैं। अंतर ये है कि हम लोग भी काम वही करते हैं लेकिन हमारा निर्णय हो सकता है कि पक्षपाती मत हो। उनके निर्णय में ये माना जाता है कि वो दैनिक क्रिया से तो अलग हैं लेकिन निष्पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस बीच में ये परिणाम है, एक दो जगह का अंतर ऐसा दिख रहा है, बाकी तो मेरे ख्याल से सभी के सोच में रहा होगा कि ऐसे ही होगा। लेकिन जो नाम आपने शुरू में गिनाए, गिरीश देवांगन जी का नाम, संगठन में बिलाशक उनका एक औरा है, उनके व्यक्तित्व के साथ ये कमतर नहीं होगा ये कह देना कि भूपेश बघेल से उनका जो सखा भाव है, जो उनकी मित्रता है, वो बहुत बड़ी वजन है उसका। लेकिन राजनांदगांव जैसी सीट के लिए अप्रत्याशित नाम थे, छन्नी साहू को लेकर तमाम सवाल हैं, भुवनेश्वर बघेल को लेकर कार्यकर्ताओं में खूब नाराज़गी है कि अचानक ये नाम कैसे आए हैं। तो छन्नी साहू के नाम को लेके पत्रकारों में भी एक बात है, एक पत्रकार आलोक पुतुल जी ने ट्वीट किया है कि सिर्फ एक ऐसी महिला विधायक थी जिन्होंने अंबिकापुर में अदानी के मसले को लेके, हसदेव के मसले को लेके सवाल किया, टिकट उनका भी कट गया। इसको किस रूप में देख रहे हैं? इसमें गिरीश के लिए आपने कहा तो मैं, अब आप पूछ ही रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ। भूपेश भाई ने कई अपने करीबियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से मीटिंग में कहा था कि ये मेरे तरफ से कोई भी प्रत्याशी दावेदारी नहीं कर रहा है। कई नाम आए थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपने एक ही नाम लिया। इस नाम के भी संदर्भ में भूपेश भाई ने स्पष्ट कहा था कि मैंने उनको यही कहा है कि ये चुनाव में नहीं लड़ना है। तो जो बात आई है उनके संदर्भ में, और लोगों ने, जो वरिष्ठ हमारे AICC के साथी हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनने इस बात को उठाया कि वहाँ के सामाजिक संतुलन और परिवेश को देखते हुए, सामाजिक स्थिति को देखते हुए, ये एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। भूपेश भाई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, इनके लिए दूसरा हमारे सोच में है। तो भूपेश भाई का नाम इस संदर्भ में आना एकदम गलत होगा। नहीं, खैर, हालांकि मैं उनके समर्थन में ही कह रहा था, मैंने कोई आलोचना नहीं की। छन्नी साहू को लेकर क्या कहेंगे, वो तो बहुत सक्रिय रहीं, वो क्या इस बात का दंश भुगत रही हैं कि उन्होंने अडानी से जुड़ा सवाल विधानसभा में उठाया? ऐसा तो संभव नहीं है, कहीं ना कहीं जो निर्णय हुआ मानना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है।
जिनको टिकट मिला उनके संदर्भ में ये बात है कि वो पिछला चुनाव जब छन्नी को टिकट मिली थी तो वो हारे नहीं हुए थे जी। वो सिटिंग जीते हुए विधायक थे जी। और उनको चेंज किया गया, फिर जब वो लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस ने उतारा तो इस विधानसभा में लीड मिली थी, तो उनके पक्ष में ये बातें सामने आई थी और मुझे लगता है कि इन बातों के आधार पर उनका पक्ष उनके पक्ष में गया। जब ये सर्वे हुए तो बैठक निश्चित तौर पे हुई थी, उसी में सर्वे की बात आई थी, क्या आप लोग अपनी बात नहीं रख पाए, आप लोग को ये अवसर नहीं मिला, या कहना आप लोगों को अनुशासन के दायरे के बाहर लगा? नहीं, हम लोगों ने अपनी बातें रखी, हर स्टेज में अपनी बातें रखी, कहीं कोई रोक नहीं था, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। ये ज़रूर संकेत भी रहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए कि स्क्रीनिंग कमेटी तक आप अपनी बातें खुल के रखिए। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जब सीसी में जाते हैं तो वहाँ हर सीट पे जिस पे तय हो गया है उसको फिर से उठाने की बात उचित नहीं रहता, तो फिर आपने नीचे क्या किया, आपने प्रदेश इलेक्शन कमेटी में क्या किया, आपने स्क्रीनिंग कमेटी में क्या किया, ये तो सब तय करके वहाँ बातें जाती हैं। और अमूमन इसीलिए आप खुद ही आंकड़े जो बता रहे हैं 90% से ज़्यादा तो ठीक ही ना है। जगदलपुर की सीट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, खबरें ये कहती हैं कि पीसीसी चीफ दीपक बैज की रुचि है मलकीत सिंह गेंदू में और इस कारण वहाँ पे मामला अटका हुआ है, या आप अब भी कहेंगे सिंहदेव साहब की नहीं सर्वे का विषय है? सर्वे का भी विषय है और जो टीम के साथी हैं जो हम लोग वहाँ पर बैठ रहे हैं अपने उम्मीदवार की बात नहीं कर रहे हैं, जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी है उसकी बात करते हैं, अपने पक्ष से भी जो बात करते हैं तो उसका आधार यही रहता है कि सबसे ज़्यादा जीतने की उम्मीद किसकी है, और हमारी उस बात को सर्वे से फिर मिलान किया जाता है कि मैं कह रहा हूँ कि यज्ञवल जीतेंगे, सर्वे क्या कहता है, कि मैं कह रहा हूँ जीतेंगे, सर्वे कह रहा है नहीं जीतेंगे, तो फिर भिन्नता हो गई, मैं कह रहा हूँ कि जीतेंगे, सर्वे कह रहा है जीतेंगे, तो टिकट फाइनल हो गया। अब जो अभी जो आप लोगों की बैठक है और अभी करीब करीब 60 सीटें बची हुई हैं, इनको लेकर आपका अनुमान क्या है, संकेत क्या हैं, कितनी टिकटें या कितने नए चेहरे फिर आ सकते हैं? करीब करीब ऐसे ही होगा जो ये 30 सीटों में हुआ, 19-20 उसी के आसपास वैसे ही रहेगा। अगर चुनाव के नतीजे अनुकूल आए और प्रतिकूल आए, दोनों स्थिति में फिर क्या श्रेय आप उस सर्वे को देंगे जो सर्वे हुआ है और जो सर्वे के आधार पर टिकट तय हो रही है? सिर्फ सर्वे नहीं, ये सर्वे का रोल बढ़ा हुआ जरूर दिख रहा है, मुझे भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन सिर्फ सर्वे नहीं, सर्वे हुआ कर्नाटक में हम जीत के आए, हिमाचल प्रदेश में भी सर्वे हुआ हम जीत के आए, तो सर्वे किसी काम का नहीं है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, एक ये वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक ना भी माने तो निष्पक्ष एक तरीका माना जा सकता है जी, कि जिसमें इंटरेस्टेड पार्टी ये नहीं है जी। अगर सर्वे एजेंसी ही इंटरेस्टेड पार्टी है तो वो सर्वे का कोई माने नहीं, लेकिन सर्वे एजेंसी इंडिपेंडेंट पार्टी है, निष्पक्ष पार्टी है, तो उसके सर्वे का एक वजन निश्चित रूप से रहता है और हम लोग भी देखते हैं कि जो वो कह रहे हैं अमूमन बात ठीक रहती है। अंबिकापुर या सरगुजा के संदर्भ में एक बात आ रही है बार बार और प्रश्न की तरह आ रही है, तीखे प्रश्न की तरह आ रही है, बीजेपी ने अब तक आपके खिलाफ प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया है, क्यों नहीं कर रही है बीजेपी, आपका क्या ख्याल है, जबकि इस बात को इससे जोड़ा जाता है कि आपने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी थी? बीजेपी ने जब 85 प्रत्याशी घोषित किए, कांग्रेस ने तो एक भी नहीं किया था, तो वहाँ कौन किससे जुड़ा हुआ था? बीजेपी ने जब 85 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी तो कांग्रेस की शून्य थी जी। तो ये अपने अपनी बातों को लेके, अपने अपनी सोच को लेके ये डिक्लेरेशंस होते हैं, और अभी देखिए जो स्थिति बन रही है उसमें मैं अभी अंबिकापुर से होके आ रहा हूँ, वो चुनाव आयोग वाले तो लगता है पीछे पड़ गए, वो हर जगह वीडियो कैमरा ले जा के कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मीटिंग कर रहे हैं, वो प्रत्याशी घोषित हो गया तो लगता है मेरे खर्चे की मीटर चालू हो गई, वो तो हर सभा में जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे को कहा भी ये जा रहा है कि नहीं सब आपके खर्चे में जुड़ेगा, जबकि पहले तो नामांकन भरने के बाद जब स्क्रूटनी हो जाती थी तब खर्चे चालू होते थे, तो ऐसी स्थिति में कौन जल्दी से घोषणा करना चाहेगा,
9 तारीख को घोषणा हो गई, वो मीडिया की मेहरबानी, हम लोग को आपने फंसा दिया। बल्कि और 10 दिन बाद 20 दिन बाद घोषणा होती तो और अच्छा होता, नहीं तो ये तो सारा खर्चा उन लोग जोड़ रहे हैं। जहाँ जाके मैं मीटिंग कर रहा हूँ, कल रात और आज के बीच में मैं 14 पोलिंग में होके आया, तो 14 पोलिंग का खर्चा वो जोड़ रहे हैं मेरे चुनाव खर्च में। तो ये एक तो मैं चुनाव आयोग की इस व्यवस्था से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा है तो पार्टियाँ तो और सोच सोच के करेंगी, उनके उम्मीदवारों के खर्चे तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे कि जब तक उनका नामांकन, कल मैं नामांकन भरूंगा, मेरा नामांकन रिजेक्ट भी हो सकता है, मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ। मेरा खर्चा आपने अभी से चालू कर दिया कि जिस दिन से डिक्लेयर हो गया कैंडिडेट उस दिन से आपने खर्चा चालू कर दिया, ये क्या तर्क है, ये क्या तुक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसे में तो बिल्कुल कैंडिडेट का नाम एकदम आखिरी मिनट में घोषित होना चाहिए, नहीं तो हमारे खर्चे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। अभी मैं हेलीकॉप्टर में बैठ रहा हूँ तो फोटो खींच रहे हैं, प्लेन से आना पड़ रहा है तो फोटो खींच रहे हैं, पार्टी के काम से ही आना जाना पड़ रहा है, वो हर चीज़ में फ़ोटो खींचा रहा है। अच्छा ये बताइए मेरे को कि जो आप लोगों का जो समीक्षा थी, जो आप लोग जो रिपोर्ट लेकर गए और जो वहाँ पे सर्वे आया, दोनों में कितनी भिन्नता थी? समग्र रूप से अगर हम बात करें तो पूरे 90 सीटों की कितनी भिन्नता? कम होगा भी तो 10-12-15%, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। तो अगली जो सीरीज जो आएगी, अगली जो लिस्ट आएगी, क्या वो पूरे सभी शेष प्रत्याशियों की आ जाएगी या फिर इंतज़ार करना है, रुक रुक के आएगी? अब मेरे से अगर पार्टी पूछेगी या आप पूछोगे तो मैं तो कहूँगा कि एकदम आखिरी में डिक्लेयर करिए। ये चुनाव आयोग के रवैयों को देख के मैं तो हिल के आ रहा हूँ अभी अंबिकापुर से। अगर इस तरह से खर्चे वो जोड़ेंगे, जोड़ने लगेंगे, तो हम लोग तो जो काम कर रहे हैं उसमें खर्चा जोड़ देंगे। मैं कहीं भोजन कर रहा हूँ उसको भी खर्चा जोड़ देंगे, मैं कहीं पर दूसरी गतिविधियों में उसमें भी खर्चा जोड़ देंगे। कल के दिन मैंने कुर्ता खरीद लिया, पता चला उसका भी खर्चा जोड़ देंगे, क्या करेंगे। अब वो व्हाट्सएप में क्या चल रहा है उसमें भी बताया गया है कि खर्चे जोड़ेंगे। हाँ, तो वो व्हाट्सएप में लोगों ने अगर डाल दिया कुछ तो भी मेरे ऊपर खर्चा जोड़ देंगे, क्या है ये? क्या इस विषय को लेकर आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या ये विषय है? वहाँ पर जरूर रखूँगा, मैं ज़रूर रखूँगा इसको पार्टी के मीटिंग में कि ये चुनाव आयोग को अपने को सुझाव देना चाहिए कि ये इनकी, मैं तो बुद्धिमत्ता पे प्रश्न लगाऊँगा कि जब तक कैंडिडेट का नामांकन अंतिम प्रक्रिया से नहीं गुजर जाता, खर्चे उसके ऊपर जोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। सिंहदेव साहब, आखिरी सवाल है मेरा कि ये जो जब भी सीटें डिक्लेयर होंगी सरगुजा संभाग के संदर्भ में, हालांकि आप बहुत साफ-सुथरी से कह चुके हैं कि संयोग इसीलिए संयोग होता है क्योंकि दोहराया नहीं जाता, फिर भी आपके अपने आकलन में सरगुजा संभाग से कितनी सीटें कांग्रेस के लिए मानते हैं आप? मैं तो चाहूँगा 14 की 14 जीते, इन 10-11 जीतने की हर स्थिति में संभावना है। ये स्ट्रॉन्ग एरिया कांग्रेस के लिए सरगुजा संभाग रहा है परंपरागत तौर पे। जशपुर एरिया में हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर रहते थे, अभी वहाँ भी पिकअप हो गया है, उसके बाद में सरगुजा संभाग की स्थिति कांग्रेस के लिए अच्छी रही। और आप खुद के लिए जो कहते हैं मैं एक वोट से जीत गया, तो मैं तो उसमें कायम। पहले चुनाव के बाद में हर कुछ मुझे बड़बोलापन लगने लगा कि मतदाताओं के विवेक पे और उनके मंशानुरूप सब चीज़ छोड़ दीजिए, जो वो करेंगे उसको स्वीकार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मंत्री डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जो बता रहे थे कि जो कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को चुन रही है उसके पीछे के समीकरण क्या हैं। वो ये बता रहे थे कि सरगुजा में कांग्रेस को उम्मीदें क्या है, और एक बार फिर उन्होंने कहा है एक वोट से जीत ही जीत है, क्योंकि जो 2008 का चुनाव था उसके बाद सब कुछ उनको बड़बोलापन लगता है। लेकिन एक सवाल फिर भी है, जिस तरीके से सर्वे हुए हैं और सर्वे के जो नतीजे आए हैं, सिंहदेव कह रहे हैं बहुत मामूली अंतर रहा है, बहुत कम इसका रेशियो रहा है जहाँ पे चेहरे बदले गए, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी है वो सिर्फ एक सीट तक सिमटे रहेगी क्या? नतीजा शायद तब समझ आए जब ईवीएम काउंटिंग करेगी। याज्ञवल्क्य, रायपुर।